हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप रसगुल्ले एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या वो प्रॉफिटेबल है। जी हां, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। और अगर आप सोचते हैं कि रसगुल्ले एक्सपोर्ट करके क्या मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, तो बिल्कुल कमा सकते हैं। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, या मैं कहूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कोई जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी, यही नॉलेज, यही ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि अगर आप रसगुल्ले में भी काम करते हैं, सपोज कीजिए अगर आपका बिजनेस स्वीट्स का है, आप एक हलवाई हैं, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं रसगुल्ले की। जी हां, मैं रसगुल्ला एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। और रसगुल्ला एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानिए। रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ एक लिमिटेड है। अब आप कहेंगे, सर शेल्फ लाइफ क्या होती है? कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है शेल्फ लाइफ को लेकर। देखिए, शेल्फ लाइफ वो होती है कि आप कह सकते हैं कि रसगुल्ले की एक्सपायरी, यानी रसगुल्ले की जिंदगी कब तक है, वो कब, समझ गए? तो अब रसगुल्ले की एक्सपायरी कब तक है, रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ टोटल जिंदगी कब तक है। अब बात करते हैं रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ की। रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ के बारे में बात करूंगा। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको शेल्फ लाइफ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी? नॉर्मल रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? नॉर्मल रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टीन की पैकेजिंग में रसगुल्ले को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। देखिए, नॉर्मल पैकेजिंग में करूंगा तो रसगुल्ला खराब हो जाएगा। अगर टीन की पैकेजिंग में करूंगा तो रसगुल्ले की शेल्फ लाइफ लगभग मान के चलिए 9 महीने से 1 साल तक रहती है। और ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है कि उसकी पैकेजिंग लगभग 1 साल तक रहेगी, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फोकस इसमें करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। अब सबसे पहली चीज, अगर किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम है तो उसे मैं हवाई जहाज यानी बाय एयर से मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा। अगर शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो मैं बाय सी से एक्सपोर्ट करूंगा, यानी बाय शिप एक्सपोर्ट करूंगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कॉमन सी बात है, अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो किराए का फर्क है, टाइम का फर्क है। अगर मैं बाय एयर जा रहा हूं तो किराए का फर्क है, टाइम का फर्क है। अगर मैं कंपेयर करूं कि मैं शिप से जा रहा हूं और मैं बाय एयर से जा रहा हूं, तो मैं जल्दी किस में पहुंचूंगा? ऑब्वियसली बाय एयर से पहुंचूंगा, शिप से लेट पहुंचूंगा। तो अगर आप बाय शिप भेजते हैं तो याद रखिए, अगर एक रसगुल्ले की लाइफ 1 साल तक की है तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो रसगुल्ला है वो लेट पहुंचेगा दूसरे देश में। अगर मैं बात करूं कि बाय एयर की, तो वो बहुत जल्दी पहुंचेगा। अगर वो किसी कंट्री में, किसी डेस्टिनेशन पे, या किसी शॉप या डिपार्टमेंटल स्टोर में जल्दी पहुंचता है तो उसके सेल होने के चांसेस भी जल्दी होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज 15 दिन पहले पहुंचेगी तो वो 15 दिन पहले बिक सकती है, और अगर वो 15 दिन लेट पहुंचेगी तो वो 15 दिन लेट बिक सकती है। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है, मार्जिन चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं बाय एयर में मुझे मार्जिन बच रहा है तो आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय सी से बच रहा है तो बाय सी कर सकते हैं। एयर और सी के फ्रेट में बहुत जबरदस्त फर्क होता है। तो सी का फ्रेट यानी भाड़ा, किराया सस्ता होता है। बाय एयर हवाई जहाज से भेजेंगे तो भाड़ा और किराया बहुत ही ज्यादा लगेगा। अगर मैं रसगुल्ले का एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा कौन से देशों में एक्सपोर्ट होता है रसगुल्ला, कहां पे आपको डिमांड मिलेगी और कहां आपको मार्जिन मिलेगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यूएसए टारगेट करेंगे, अमेरिका को टारगेट करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्जिन मिलेंगे। अमेरिका में रसगुल्ले की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, तो वहां पे आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, हर कंट्री के फूड क्वालिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर करते हैं भाई। यहां पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे। अब यूएसए के बाद आगे चलते हैं। अगर मैं यूएसए के बाद कनाडा की बात करूं, तो कनाडा भी एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहां पे आप रसगुल्ला बेच सकते हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बड़े ऑर्डर्स भी मिलेंगे, वॉल्यूम भी मिलेगा। कनाडा के बाद आप पहुंच जाइए सीधा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत अच्छा ऑर्डर मिलेगा, वो भी एक बहुत अच्छा देश है, वहां पे भी रसगुल्ले के शौकीन बहुत बैठे हैं। देखिए दोस्तों, ये मत सोचिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी डिश है जो हमें ही अच्छी लगती है या बाहर की कंट्री के लोग उसे जानते हैं या नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ, बार बार अपने वीडियो के जरिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्ट और कंट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए। एज अ बिगनर, एज अ स्टार्टअप अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद, अगर आप मॉरिशियस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक मॉरिशियस भी बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं रसगुल्ले का। अगर मैं बात करूँ गल्फ़ कंट्रीज़ का, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखा दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा मार्केट है एक रसगुल्लों का। हमारे लिए एक प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सही है, लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यार अगर आप खुद कोई हलवाई नहीं है, कोई स्वीट्स का काम नहीं करते, आपको नहीं बनाना आता, तो किसी हलवाई से बना बनाया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करिए ना और पैसा कमाइए। यही चीजें हम आपको अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं रसगुल्ला एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे कितना मार्जिन मिलेगा। देखिए दोस्तों, लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये किलो तक का बाहर का रेट है एक्सपोर्ट करने का। ये रेट कम भी हो जाता है कई बार बढ़ भी जाता है, डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। बाकी चॉइस आपकी है कि आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और एक चीज़ इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कंटेनर ही भेजना है। जितने का ऑर्डर मिले, अगर कम का ऑर्डर मिलता है तो आप कम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंगल 1 किलो का डब्बा भी रसगुल्ले का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, लाइसनिंग प्रोसेस का ध्यान रखिए। लाइसनिंग फूड क्वालिटी, फूड स्टैंडर्ड हर कंट्रीज के अलग अलग होते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करिए। जैसे अगर यूएसए में एक्सपोर्ट करना है तो उसका अलग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, एफडीए होता है वहाँ पे। और अगर क्या कहते हैं यूरोप में करना है तो जेम होता है। अगर इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में काम करना है तो फसाई होता है। आईसी कोड लीजिए, जीएसटी पैन लेके अपना फर्म तैयार कीजिए और एक्सपोर्ट करिए, खुद भी कमाइए और देश की ग्रोथ में भी अपनी भागीदारी दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।